ही बेकार किस्म का ग्राउंड स्टाफ है वेस्ट इंडीज़ का। डे थ्री का पहला सेशन पूरा का पूरा, हालांकि बारिश नहीं हुई ये बात याद रखिएगा, लेकिन जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से ग्राउंड स्टाफ पूरे 24 घंटे में भी ग्राउंड को खुश्क नहीं कर सका, और रनअप वाली जगह जो थी वहाँ पे मसला था। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो कवर्स होते हैं वो रनअप पे क्यों नहीं डाले गए, और अगर डाले गए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी कैसे जमा हो गया। खैर, डे थ्री जब स्टार्ट हुआ तो वो लंच के बाद स्टार्ट हुआ, दो सेशन हुए, एक पाकिस्तान ने खेला और एक वेस्ट इंडीज़ ने खेला। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं खेला, आते ही विकेट्स गिर गए फहीम अशरफ और रिजवान के, लेकिन दूसरे एंड पे फवाद आलम की तारीफ़ करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं वो, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं रिकॉर्ड बना रहे हैं वैसे ही हमें दुख हो रहा है कि काश उनके जो 10 साल वेस्ट हुए हैं काश वो ना होते और आज फवाद आलम शायद टेस्ट ग्रेट्स में शामिल होते, यूनिस खान के साथ शायद आज उनके भी 10,000 रन मुकम्मल होते। सो वो एशिया के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं, सिर्फ 22 इनिंग्स में उनकी 5 टेस्ट सेंचुरीज मुकम्मल हो चुकी हैं और चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। उसके अलावा बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम के 35 टेस्ट मैचेस के बाद उनकी 5 सेंचुरीज हैं, जबकि फवाद आलम के सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस के बाद 5 टेस्ट सेंचुरीज हैं। और एक और रिकॉर्ड ये है कि दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स में इस वक्त जो है वो क्रिकेट खेली जाती है और उन 5 में से 4 कॉन्टिनेंट्स में फवाद आलम सेंचुरीज बना चुके हैं, और फवाद आलम की 5 सेंचुरीज 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हैं जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे शामिल हैं। सो वेल डन फवाद आलम, आप ऐसे ही मेहनत से पाकिस्तान को जितवाते रहें और साबित करें कि आपकी जो 10 साल वेस्ट हुए उसमें नुकसान आपका नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हुआ है। और पाकिस्तान ने 302 रन पे डिक्लेयर किया, हसन अली से उम्मीदें होती हैं हमेशा, हसन अली रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। शाहीन शाफरीदी ने एंड पे 18 रन की इनिंग जो खेली वो अच्छी इनिंग थी, 302 रन। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ने क्या ये इनफ रन बनाए हैं, क्या पाकिस्तान, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान भी दूसरी इनिंग में बैटिंग करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मैच किसी रिजल्ट की तरफ जाता है, ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। सो पाकिस्तान को कोशिश ये करनी होगी कि इन्हीं 302 रन के अंदर अंदर ही 2 बार वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट करे। अच्छा स्टार्ट दिया शाहीन शाफरीदी ने, 9 रन के अंदर ही वेस्ट इंडीज़ के दोनों ओपनर्स ब्रैथवेट और पवल दोनों ही आउट हो चुके हैं, और उसके बाद इन दी एंड जाते जाते फहीम अशरफ ने भी एक ब्रेक थ्रू दिलवाया और रोस्टन चेस को आउट किया। सो 34-35 रन पे 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के, और कल स्टार्ट में मॉर्निंग सेशन में ही पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि रिमेनिंग 7 विकेट्स लें वेस्ट इंडीज़ की। अगर कोई एक पार्टनरशिप भी बन गई तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और वेस्ट इंडीज़ चाह रहा है ये ड्रॉ की तरफ जाए, क्योंकि आज जब प्रॉपरली स्टार्ट हुआ अंपायर्स की जानिब से तो वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं उनको रनअप का इशू हुआ और उन्होंने अच्छा खासा टाइम ज़ाया किया। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने पैड्स पहन के उनको भाग के दिखाया कि ये सरफेस भागने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप क्यों डाउनबाजी कर रहे हैं। खैर, अभी भी मैं जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस ग्राउंड में अभी तक कोई ड्रॉ नहीं हुआ, पिछले 11 सालों में जितने भी मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं टेस्ट मैचेस उन सबका रिजल्ट निकला है, और लास्ट जो मैच था हमारा पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का, जो पाकिस्तान सिर्फ एक विकेट एक कैच ड्रॉप करने की वजह से हारा, वो मैच भी डे 4 में ही कम्प्लीट हो गया था। सो इसका मतलब कि ये वाकई में इस पिच पर रिजल्ट्स निकल सकते हैं, एक दिन अगर ज़ाया भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पाकिस्तान को अब अपनी बॉलिंग में अर्ली विकेट्स लेने की ज़रूरत है। जितना जल्दी पाकिस्तान पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट करेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा पाकिस्तान को इस मैच में जीतने के लिए। होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान कमबैक करे, और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है कि टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान अपने 2 पॉइंट पूरे करे, और अगर हम स्टार्ट में टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए अपने पॉइंट्स जमा नहीं करेंगे तो वंस अगेन पाकिस्तान बॉटम ऑफ द टेबल होगा और फिर दूसरी टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी फाइनल के लिए। होप फॉर द बेस्ट, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मुल्तान टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।